प्रेगनेंसी का छठा महीना। छठे महीने में प्रेगनेंसी में बेबी में कौन कौन से अंग बन जाते हैं और माँ को क्या क्या फील होता है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शिखा अग्रवाल और आपका अपने चैनल डॉक्टर होम में स्वागत है। छठे महीने में वीक्स के हिसाब से 21 वीक्स, 22, 23, 24 वीक्स आ जाते हैं। इस समय तक प्रेगनेंसी जो 40 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है ऑलमोस्ट हाफ हो चुकी होती है। 21 वीक्स पे बेबी करीब 10 इंच के करीब लंबा होता है और उसका वजन 350 से 400 ग्राम के करीब होता है। 21 वीक्स पे बेबी में सकिंग रिफ्लेक्स डेवलप हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि बेबी अपनी फिंगर्स को और अंगूठे को मुंह के अंदर ले जाके सक करना स्टार्ट कर देता है और इस एक्टिविटी को कई बार अल्ट्रासाउंड में भी कैप्चर करा जा सकता है और बेबी दिखाई देता है कि वो अपना अंगूठा चूस रहा है। बेबी के सक करने में कुछ भी एबनॉर्मल नहीं होता है, इनफैक्ट इट इज ए साइन ऑफ नॉर्मल हेल्दी बेबी। 21 वीक्स पे बच्चे के फिंगर नेल पे एंड पैरों पे कुछ रिजिस बन जाते हैं जो कि बाद में आगे चल के फिंगरप्रिंट और फूट प्रिंट बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि हर इंडिविजुअल में अलग अलग फिंगरप्रिंट होते हैं। तो ये फिंगरप्रिंट और टो प्रिंट 21 वीक्स पे बेबी में बन जाते हैं। 22 वीक्स पे बेबी करीब 11 इंच लंबा होता है और उसका वेट 450 से 500 ग्राम के करीब होता है। 22 वीक्स पे बेबी की स्किन रेडिश होती है, रिंकल पड़े होते हैं उसमें, जैसे कि बूढ़ों की स्किन होती है वैसी ही दिखाई देती है और उसके नीचे वेन्स रन करती हुई दिखाई देती हैं। 22 वीक्स पे बेबी का हिकअप मूवमेंट शुरू हो जाता है। हिकअप क्या होता है, ये हिचकी होती है। 22 वीक्स पे जो डायफ्राम होता है, बेबी का डायफ्राम होता है, वो अपना फंक्शन स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हिचकी, बच्चे को हिचकी आने लगती है। और बहुत सारी महिलाओं को तो जब बच्चा हिचकी लेता है तो ये फील होता है कि बेबी हिचकी ले रहा है। सभी महिलाओं को ये फील नहीं होता है, लेकिन कुछ ही महिलाओं को बच्चे के हिचकी मूवमेंट फील होते हैं, क्योंकि जब बच्चा हिचकी लेता है तो उसके साथ ही एक झटके के साथ जर्की मूवमेंट बेबी के होते हैं और माँ को ये मूवमेंट फील होते हैं, जिसकी वजह से माँ को लगता है बेबी हिचकी ले रहा है। ये भी बिल्कुल नॉर्मल रिफ्लेक्स है जो 22 वीक्स पे डेवलप होता है। जब बेबी हिकअप लेता है तो डायफ्राम मूव करता है और डायफ्राम के अप एंड डाउन होने से बेबी का लंग्स मैच्यूरेशन में ये मूवमेंट हेल्प करता है। 23 वीक्स पे जो बेबी की आंखें बंद होती हैं और बंद आंखों के बीच में बेबी की रैपिड आई मूवमेंट होता है, मींस बेबी की जो पुतली होती है, आंखों की पुतली होती है, वो इधर से उधर, लेफ्ट टू राइट एंड ऊपर से नीचे तक घूम सकती हैं। इस समय बेबी आईलिड को अपनी खोल सकता है और फर्स्ट टाइम बेबी की आंखें खुलती हैं। 23 वीक्स पे बेबी फर्स्ट टाइम अपनी आंखें खोलता है। 24 वीक्स पे, मतलब कि जब छठा महीना खत्म होने लगता है, तो बेबी की लेंथ 13 इंच के आसपास हो जाती है और उसका वेट 650 ग्राम के करीब हो सकता है। 24 वीक्स पे बच्चा बाहर की साउंड को, म्यूजिक को सुन सकता है। इस समय माँ जो भी बोलती है वो बेबी तक उसकी किरणें साउंड वेव से पहुंचती हैं। इस समय माँ को ऐसे चीजें सुनना चाहिए जिससे कि बेबी का मेंटल डेवलपमेंट अच्छा हो। अगर माँ अपना मनपसंद म्यूजिक सुनती है तो उससे बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट अच्छा होता है। रिसर्च दिखाती है कि अगर माँ इस समय हैप्पी रहती है, खुश रहती है, अपना मनपसंद म्यूजिक सुनती है, तो बच्चे पे भी इस पे का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट बेटर होता है। छठे महीने में एमनियोटिक फ्लूड, जो बच्चे के चारों तरफ पानी होता है जिसे एमनियोटिक फ्लूड कहते हैं, उसकी मात्रा मैक्सिमम होती है, इसलिए बच्चे के मूवमेंट बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होते हैं और माँ भी इस समय बच्चे के मूवमेंट अच्छी तरह से फील कर सकती है। जिन महिलाओं को पहले चौथे और पाँचवें महीने में मूवमेंट फील नहीं होते हैं, उनको भी छठे महीने में बच्चे के मूवमेंट अच्छी तरह से फील होते हैं। अगर माँ को एक दिन में 8 से 10 मूवमेंट फील होते हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल है और कभी कभी बच्चा इससे ज्यादा भी मूवमेंट करता है, लेकिन अगर माँ को 8 मूवमेंट से कम फील होते हैं तो ये चिंता वाली बात होती है और इस समय माँ को फौरन अपने डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करना चाहिए और अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए।
छठे महीने में माँ में क्या क्या चेंजेस आते हैं? तो सबसे पहले जो चेंजेस आते हैं, इस समय छठे महीने में बेबी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और अम्बिलिकस तक, नाभि तक आ जाता है। पेट बड़ा होने की वजह से स्किन स्ट्रेच हो जाती है, स्किन खिंचती है, तो उसकी वजह से माँ के लोअर एब्डोमेन और हिप्स में स्ट्रेच मार्क पड़ जाते हैं, जिसको जो कि रेड और पिंक कलर के होते हैं। ये स्ट्रेच मार्क स्टार्टिंग में रेड होते हैं और बाद में डिलीवरी के बाद ये धीरे धीरे पिंक या वाइट होने लगते हैं। और माँ के अम्बिलिकस से पेल्विस तक बीच में एक और लाइन, डार्क काली सी लाइन भी दिखाई देती है, जिसे लीनिया नाइग्रा कहते हैं। लेकिन इस समय भी माँ को अच्छी भूख लगती है तो डाइट का अच्छा ख्याल रखना चाहिए। माँ को ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। माँ कोकोनट वाटर, लेमन वाटर ले सकती है, जिसकी वजह से माँ का हाइड्रेशन मेंटेन होता है। अगर माँ अच्छी तरह से पानी की लेती है तो एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा भी मेंटेन बनी रहती है। इस समय माँ को अपनी डाइट पे काफी ख्याल रखना चाहिए और एक बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के अलावा विटामिन्स और मिनरल्स भी होना चाहिए। विटामिन और मिनरल्स के लिए माँ को एक मुट्ठी रोज ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए। एक मुट्ठी मीन्स हैंडफुल ऑफ द ड्राई फ्रूट्स, मतलब कि आपको 7 से 8 काजू, बादाम, किशमिश या अखरोट, कोई से भी, जो भी कोई भी कॉम्बिनेशन है आपके आपके पास, जो भी अवेलेबल है, जैसे कि आप 4 काजू ले सकते हैं, 4 बादाम ले सकते हैं, 2 किशमिश ले सकते हैं या 2 अखरोट ले सकते हैं, या आपके पास काजू नहीं है तो आप 7 से 8 बादाम भी ले सकते हैं और 2 अखरोट ले सकते हैं। इस तरह से अगर आप ड्राई फ्रूट्स लेते हैं तो आपको विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, मिनरल्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन मिलेगा। और ड्राई फ्रूट्स से आपको फाइबर भी मिल जाता है। महिलाओं को प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज्यादा शिकायत होती है, तो फाइबर मिलने से कॉन्स्टिपेशन में भी आराम मिलता है। तो कोशिश करना चाहिए कि मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स, सूखे फल और मेवा माँ को जरूर लेना चाहिए। उसका कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जब माँ अखरोट लेती है तो ये बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है, क्योंकि वॉलनट में ओमेगा-3 फैटी एसिड होते हैं, जो कि इसेंशियल फैटी एसिड होते हैं। इससे माँ की इम्यूनिटी अच्छी बनी रहती है और बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा होता है। प्रोटीन के लिए माँ दूध, दही, पनीर और छाछ ले सकती है। इसमें विटामिन ए, बी और डी होता है। इसकी वजह से बेबी की बोन्स मजबूत होती हैं और मसल्स डेवलप होती हैं। कार्बोहाइड्रेट के लिए, जो कि एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, माँ व्हीट, राइस, पोटैटो और स्वीट पोटैटो ले सकती है। जो उसे माँ को व्हीट लेना है, गेहूं जो लेती है माँ को, उसको चोखर वाला आटा लेना है। बहुत से लोग मैदा का इस्तेमाल करते हैं तो रिफाइंड फ्लोर में कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता है, तो माँ को कोशिश करना चाहिए चोखर वाला मोटा आटा लेना चाहिए, जिसमें कि क्योंकि जो घी का ब्रान होता है, छिलका होता है, उसमें ही प्रोटीन होता है और फाइबर होता है और न्यूट्रिशन होता है। तो अगर माँ चोखर वाला आटा लेती है तो उसे थोड़ा सा फायदा होगा, रिफाइंड फ्लोर में कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता है। इस तरह माँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और थोड़ा सा फैट भी ले सकती है। और विटामिन और मिनरल्स के लिए माँ को हरी पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और ड्राई फ्रूट्स ले लेना चाहिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।